हेलो एंड वेलकम ऑल, दिस इज लर्निंग लोकस और प्रस्तुत है नंबर। इस लेक्चर के अंतर्गत हम सीखने वाले हैं नंबर का डेफिनेशन और नंबर के टाइप्स। इसके बाद हम सीखेंगे रूल्स, 10 रूल्स सीखेंगे सिंगुलर से प्लुरल बनाने का। जो रूल नंबर 10 होगा उसमें आप जो पढ़ रहे हैं नंबर, नाउन का नंबर सीख रहे हैं। रूल नंबर 10 में आप सीखेंगे कि लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स का कैसे प्लुरल बनाते हैं, कोई और नंबर लिखा हो तो उसको कैसे बनाते हैं प्लुरल। साथ में आप यह भी सीखने वाले हैं कि कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, तो उस वर्ड को कैसे हम प्लुरल बनाते हैं। तो पूरे हम 10 रूल्स में जितने भी प्लुरल बनाने के रूल्स हैं सब हैं, और एग्जाम्पल भी सफिशियंट हैं ताकि आपके किसी भी एग्जाम का कोई प्रश्न छूटे नहीं। रूल्स तो होंगे ही, जो भी एक्सेप्शंस हैं वह भी मिलेगा। उच्चारण के साथ हिंदी मीनिंग भी बताएंगे। इसके बाद एडवांस बढ़ते हुए एडवांस में हम सीखेंगे वैसे नाउंस को पढ़ेंगे जो सिंगुलर में भी यूज होते हैं और प्लुरल में भी यूज होते हैं। मतलब नाउन एक ही, उसको यूज करना पड़ता है दोनों जगह, सिंगुलर भी प्लुरल भी। जैसे कि डियर, डियर सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लुरल में भी। इसका डियर्स नहीं होता, डियर ही होता है। ऐसे ही हम सीखेंगे नाउन्स जो हमेशा प्लुरल होते हैं। कौन से नाउन हैं जिनका प्रयोग हमेशा प्लुरल में किया जाता है, और ये हम सीखने वाले हैं। फिर बाद में सीखेंगे कि नाउन जो दिखते हैं प्लुरल जैसे लेकिन यूज होता है सिंगुलर जैसा। जैसे कि आप सब जानते ही हैं मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में यह एस दिख रहा है लास्ट में लेकिन है यह सिंगुलर, तो इसे हम सीखने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि नाउन्स जो सिंगुलर दिखते हैं लेकिन यूज होते हैं प्लुरल जैसा, जैसा कि कैटल। कैटल मतलब पशु, यह सिंगुलर देखने में सिंगुलर दिख रहा है लेकिन यह इसका यूज हमेशा प्लुरल समझकर ही किया जाता है। तो इस तरह से एडवांस भी पढ़ने वाले हैं नंबर का, और साथ में 10 रूल्स, और शुरू करते हुए डेफिनेशन एंड टाइप्स। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा लेकिन कंप्लीट है नंबर पे। अगर हम नंबर के डेफिनेशन की बात करते हैं तो नंबर मतलब जानते हैं संख्या। तो नाउन के जिस रूप से हम किसी पर्सन या थिंग की संख्या की सूचना देते हैं या हमें सूचना मिलती है उसे कहते हैं नंबर। नाउन के जिस रूप से, रूप का मतलब क्या हो गया, आप जानते हैं बॉय और बॉयज। तो बॉय से हमें सूचना मिलती है कितने नंबर की, पर्सन के एक नंबर की, और बॉयज से पर्सन के एक से अधिक नंबर की। तो जिस रूप से नंबर की सूचना मिलती है, बॉय से भी मिल रही है और बॉय से भी मिल रही है, उस रूप को कहते हैं हम नंबर। थिंग का भी हो सकता है, हाँ, जिस तरह से पर्सन का है, ये बॉय तो पर्सन है ना, थिंग का भी हो सकता है। तो पर्सन या थिंग के जिस रूप, नाउन के जिस रूप से पर्सन या थिंग के संख्या का पता चलता है उस रूप को कहते हैं हम नंबर। हाँ, नंबर का डेफिनेशन यही है। नंबर के प्रकार की बात करेंगे तो आप सब वाकिफ हैं कि सिंगुलर और प्लुरल दो ही होता है इंग्लिश ग्रामर में। फिर सिंगुलर का से भी वाकिफ है, सिंगुलर किसे कहते हैं। तो नाउन के जिस फॉर्म से एक पर्सन या एक थिंग का बोध होता है उसे कहते हैं सिंगुलर नंबर। यहाँ पे देख रहे हैं, अन एरोप्लेन, अ प्रोफेसर, अन आईएएस ऑफिसर, अन एलिफेंट, ये सब एक एक का बोध हो रहा है। कुछ और भी है जो बताऊंगा, पहले देखते हैं प्लुरल नंबर। प्लुरल नंबर में नाउन के जिस फॉर्म से मोर देन वन, यहाँ पे देखिए मोर देन वन पर्सन और थिंग का बोध होता है उसे कहते हैं प्लुरल। जैसे विंडोज, विंडोज का मतलब हो गया एक नहीं एक से अधिक खिड़कियाँ। टीचर्स, डोज, शिप्स, ये सब मोर देन वन को सूचित करते हैं। ठीक है, मोर देन वन की बात किया तो अगर 1.05 रुपीज की बात करें तो क्या यह सिंगुलर है या प्लुरल है। डेफिनेटली यह प्लुरल है क्योंकि मोर देन वन है। तो ध्यान रखिएगा कि मोर देन वन का मतलब दो तीन चार पाँच ही नहीं,
फ्रैक्शन वाला भी होगा एक से अधिक वाला, तो 1.05 भी प्लुरल कहलाएगा। ऐसे ही सिमिलर में जो बता रहा था, एक पर्सन या थिंग का तो बोध होता है, लेकिन एक से कम हो तो, जैसे रुपीज की ही बात करते हैं, तो अगर रुपी का सिंबल देते हुए 0.75 लिखा हमने, तो सिमुलर है कि प्लुरल है, तो यह सिमुलर है। तो जब संख्या एक या एक से कम तो उसे कहेंगे सिमुलर, और जब संख्या एक से अधिक तो उसे कहेंगे प्लुरल। दोनों ही एस्पेक्ट को ध्यान रखिएगा, खाली एक और एक से अधिक नहीं, एक से कम भी और एक से अधिक में फ्रैक्शन वाला भी। तो ये हो गया सिमुलर और प्लुरल, जो नंबर का टाइप है वह है सब। अब रूल शुरू करते हैं सिंगुलर से प्लुरल बनाने का। इसमें एक लाइन और है कि जो हम पढ़ रहे हैं नंबर, ये आपको बताया भी शुरू में कि यह मेनली नाउन का नंबर है, लेकिन नंबर प्रोनाउंस का भी होता है, जैसे रूल नंबर 10 में देख लेंगे, अभी देख लेते हैं। एडजेक्टिव्स का होता है और वर्ब का भी नंबर होता है। सबसे पहले वर्ब की बात करते हैं। आप जानते हैं रन, वर्ब है रन, रन का सेकेंड फॉर्म होता है रैन, थर्ड फॉर्म होता है रैन, फोर्थ फॉर्म होता है रनिंग, फिर फिफ्थ फॉर्म होता है रन्स। तो जो फर्स्ट फॉर्म होता है वह प्लुरल होता है, और जो फिफ्थ फॉर्म होता है वह सिंगुलर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब फिफ्थ फॉर्म है सिंगुलर है तो वर्ब का भी नंबर होता है, तो वर्ब का भी नंबर होता है, समझ गए आप। एडजेक्टिव्स का भी नंबर होता है, जो कुछ फॉरेन वर्ड्स हैं जिनका, जो फॉरेन वर्ड्स में जो एडजेक्टिव्स हैं उनमें उनका नंबर होता है। इंडियन में किसी एडजेक्टिव का नंबर नहीं होता है, इसका एग्जाम्पल नहीं रखते हैं, इसको यूज ही नहीं करते इसीलिए। अगर प्रोनाउन की बात करते हैं तो आप जानते हैं प्रोनाउन क्या होता है, आई वी हाँ ही शी ही ईट दे यू, ये सब होता है। तो आई का प्लुरल क्या होता है, वी। ही सी ईट का प्लुरल क्या होता है, दे। दे तो प्लुरल हो ही गया। यू का प्लुरल क्या होता है, यू सिंगुलर भी प्लुरल भी। तो आप देख रहे हैं कि प्रोनाउन का भी नंबर होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, पढ़ते तो हम नाउन का ही है, एग्जाम में नाउन का ही आता है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि प्रोनाउन का, वर्ब का, एडजेक्टिव का भी नंबर सिंगुलर प्लुरल होता है। अब रूल सीखते हैं हम सिंगुलर से प्लुरल बनाने का, और रूल नंबर 1, और यह ऐसा रूल है जो मोस्ट ऑफ द नाउन्स के साथ यूज होता है। आपको किसी वर्ड का 10 रूल्स है, पढ़े नहीं वाले हैं, अगर आप किसी वर्ड का पूर्ण प्लुरल बनाना नहीं जानते हैं तो इस रूल को अपना लीजिए। और क्या है कि सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़ दीजिए, केवल एस जोड़ दीजिए, वह बन जाएगा प्लुरल। तो किसी वर्ड को नहीं जा का प्लुरल आप जानते नहीं हैं क्या होगा, तो आप एस जोड़ देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन 10 रूल्स है, 10 रूल्स याद रहेंगे तो कोई भी वर्ड छूटेगा नहीं। अब इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं, आप बार बार जानते हैं, यहाँ पे काइट है तो इसका काइट्स होता है, एस जोड़ दिया है। ईयर का ईयर्स होता है, प्लांट का प्लांट्स होता है, बग बग का बग्स होता है। बग मतलब क्या होता है, खटमल। हाउस का हाउसेस होगा, स्ट्रीम का स्ट्रीम्स होगा, स्ट्रीम मिस होता है धारा, बोट का बोट्स होगा। तो आपने देखा कि सिंगुलर नंबर्स के अंत में हमने केवल एस जोड़ दिया है, प्लुरल बन गया है, यह रूल नंबर 1 है, ध्यान रखना है आपको, सबसे अधिक इसी का यूज करते हैं। अब रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 में ना जो रेड में लेटर्स लिखा है, इसे याद करने का तरीका यह है कि इनको ग्रुपिंग कर देते हैं। कैसे, एस वाला एक जगह पे एस एस एस, दूसरा सी एच एच वाला एक जगह पे, एच में क्या है सी एच और एस एच, और जितना बच गया वो एक जगह पे वह है ओ एक्स जेड। अगर किसी नाउन के अंत में एस या एस एस हो, सी एच या एस एच हो, ओ एक्स या जेड में से कोई भी हो, तो वैसे नाउन्स का अगर प्लुरल बनाना होगा तो उन नाउन्स के अंत में हमें ई एस जोड़ना पड़ता है, ई एस। ध्यान रहेगा एस का, एक वाला और दो वाला, हाँ एस और डबल एस, सी एच और एस एच दोनों के अंत में एच है, याद रहेगा आपको।
और फिर ओ एक्स जेड। एग्जाम्पल देखिए आप, बस अंत में एस है तो बसेस ईएस जोड़ दिया, लेंस एस है तो ईएस जोड़ दिया, लेंसेस हो गया, बिजनेस डबल एस है तो फिर ईएस जोड़ दिया। तो यहाँ पे एस और डबल एस का एग्जाम्पल कंप्लीट होता है, हो गया। अब सी एच का ब्रांच, ब्रांच सी एच है, ईएस जोड़ दिया। विश, विश मीन्स इच्छा, इसका विशेष इच्छाएं, ईएस जोड़ दिया। टोमेटो ओ है तो यहाँ पर टोमेटोज, ईएस जोड़ दिया। पोटैटो भी हो जाएगा, छोड़ दिया हमने जानबूझकर, आपको आता है वो सब। बॉक्स एक्स है तो बॉक्सेस हो जाएगा। जेड है क्विज तो क्विजेज हो जाएगा। यहाँ पे दूसरे कलर में क्विज लिखा है क्योंकि आपको स्पेलिंग ध्यान रखना है क्विजेज का। क्या ध्यान रखना है कि जेड दो हो जाएगा यहाँ पे। क्विज तो क्यू यू आई जेड है, लेकिन जब इसमें ई एस जोड़ेंगे तो ए हो जाएगा क्यू यू आई जेड जेड ई एस, एक जेड बढ़ जाएगा, इसलिए कलर चेंज किया है। ध्यान रहेगा आपको, रूल नंबर दो हो गया। रूल नंबर दो खत्म नहीं हुआ है, और भी है। देखिए टोपाज जेड का ई एस हो गया, टोपाजेज। टोपाज का मतलब होता है एक रत्न है, ये होता है पुखराज, हिंदी इसकी होती है पुखराज। बफेलो, बफेलो में से भैंस जानते हैं, इसमें ई एस हो गया। कार्गो, माल ढोने वाले जहाज, कार्गो, कार्गोज हो जाएगा। इको, इको में से प्रतिध्वनि, इसको इकोज हो जाएगा। निग्रो, अफ्रीका के एक जनजाति का नाम है निग्रो, इसमें भी ई एस हो जाएगा। वोल्केनो, वोल्केनो मीन्स ज्वालामुखी, आप जानते हैं ज्योग्राफी में पढ़ते रहते हैं आप, ज्वालामुखी, सो वोल्केनो का वोल्केनोज हो जाएगा। तो इनके अंत में जेड था, ओ था, तो देखा आपने। लेकिन कहानी अभी और है। क्या है देखिए, एक्सेप्शन, कहानी ओ मेन हो गई, अब एक्सेप्शन। कहा ना कि 10 रूल्स के साथ एक्सेप्शंस भी पढ़ना है। एक्सेप्शंस जो रूल है, जितने जितने एग्जाम्पल है उससे भी अधिक एक्सेप्शंस में है। अंत में सी एच है, इधर भी सी एच है, पढ़ा क्या कि सी एच रहेगा तो एस लगना चाहिए, लेकिन सी एच रहेगा और अगर उसका उच्चारण क आएगा तो लगेगा खाली एस, स्टोमक, इसे स्टोमक पढ़ते हैं, इसलिए केवल एस लगा है। मोनार्क, मोनार्क मीन्स क्या हो जाता है, सम्राट, सम्राट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोनार्क्स। जब सी एच का उच्चारण क होगा तो वहाँ पे केवल एस लगाएंगे, याद रखिएगा। अभी आपने देखा कि अंत में ओ होगा तो एस करेंगे, एग्जाम्पल भी देखा है आपने बहुत सारा, लेकिन इधर अंत में ओ है, इधर हम एस नहीं करेंगे, खाली एस लगाएंगे, और कोई तरीका नहीं याद रखने का, आपको ध्यान पूरा रखना पड़ेगा। डायनेमो, डायनेमोज, पियानो, पियानोज, किलो, किलोज, लोगो, लोगो जो सिंबल होता है, लोगो, लोगोज, मोमेंटो, मोमेंटोज। मोमेंटो मीन्स क्या होता है, जब किसी को विदा करते हैं हम लोग तो कुछ देते हैं ना उनको गिफ्ट, उसको बोलते हैं मोमेंटो, पढ़ते हैं इसे मोमेंटो, मेमेंटो नहीं, मोमेंटो, इसे पढ़ते हैं मोमेंटो, यादगारी, मोमेंटोज। स्टीरियो या वाद्य यंत्र है एक, स्टीरियोज। कमांडो जानते ही हैं, कमांडोज, याद रखना। किलो हम बार बार यूज करते हैं, खाली एस होता है। हाँ, बाकी सब कम यूज करते हैं, कमांडो का एस होता है, लोगों का एस होता है, ये सब बार बार यूज करते हैं। वाद्य यंत्र पियानो बार बार यूज करते होंगे, ठीक है। डायनेमो, माइकल फैराडे ने आविष्कार किया था इसका, डायनेमोज। ध्यान रखना है आपको इन वर्ड्स को कि इनके साथ खाली एस लगता है, ई एस नहीं लगता है, एक्सेप्शन ध्यान रखना होता है। अभी एक्सेप्शन में और है, पूरा ध्यान से देखिए, कोई भी वर्ड छोड़ा नहीं है हमने। फोटो, खूब आप लिखते हैं ना, तो इसमें भी खाली एस लगता है। स्टूडियो, इसमें भी एस लगता है। वीडियो, इसमें भी खाली एस, तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। स्टूडियो में फोटो खिंचवाते हैं, वीडियोग्राफी भी होती है, तो याद रख सकते हैं इस तरह से, इनमें खाली एस लगता है, याद रखना है। जू, जू का जूज होता है, खाली एस। सोलो, सोलो का सोलो, सोलो मतलब क्या होता है, एकल, एकल का प्रयोग आप डांस में सुने होंगे कि सोलो डांस और ग्रुप डांस, तो
तो सोलो डांस में क्या, कोई एक आदमी या एक औरत डांस करते हैं, तो यहाँ पे सोलो मीन्स एकल, इसका होता है सोलोज। अवोकैडो, अवोकैडो मतलब एक फल है नाशपाती जैसा, हमारे देश में नहीं होता है, इसमें एस लगता है, इसके इस एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं है, फिर भी जानना चाहिए इसे लिखा। मेमो, मेमो का मेमोज, और फिर जीरो बहुत यूज करते हैं हम लोग, जीरो का जीरोज। इस तरह से एक्सेप्शन का दूसरा हुआ। अभी एक्सेप्शन और भी है, ध्यान रखना है आपको, थकना नहीं है। इस रूल का एक्सेप्शन का लास्ट पेज है, लास्ट में ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है। बम्बू, बम्बू का खाली एस लगेगा। कुकू, खाली एस लगेगा। पोर्टफोलियो, खाली एस लगेगा। ध्यान रखना है आपको एक्सेप्शंस को, लेकिन रूल याद रखिएगा कि अंत में एस और डबल एस, सी एच और एस एच, ओ एक्स जेड रहे तो ई एस लगाते हैं। एक्सेप्शन सबको याद रखना है। रूल नंबर 3, नाउन के अंत में वाई रहेगा, डेफिनेटली सिंगुलर नाउन होगा उसके अंत में वाई रहेगा, प्लुरल बनाना होगा तो वाई को हम ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे मतलब छोड़ देंगे, हटा देंगे, और वाई के ही जगह पर लिखेंगे आई ई एस। कैसे, जैसे बेबी है, मिलेगा एग्जाम्पल भी ऐसे, बेबी अंत में वाई है, सिंगुलर है, ये प्लुरल बनाना है तो बी ए बी, वाई को हटाएंगे और वाई की जगह लिखेंगे आई ई एस, बेबीच। एग्जाम्पल आपके सामने है, आर्मी, वाई हटाया और आर्मीज हो गया। बेरी, बेरी का बेरी मतलब तो बेर होता है, बेरी का बेरीज, वाई हटाया और आई ई एस किया। कंट्री, देश, हाँ कंट्रीज। स्टोरी, स्टोरीज, आई ई एस किया। बेबी, एग्जाम्पल ऊपर दिया था। फ्लाई, फ्लाई मीन्स क्या होता है, मक्खी, उड़ना भी होता है और मक्खी भी होता है, ठीक है, नाउन है ना, इसलिए यहाँ पे मक्खी, फ्लाइज, वाई की जगह पे आई एस। पोनी, पोनी मतलब टट्टू, तो यहाँ पे पोनीज हो गया, वाई की जगह पे आई एस आ गया। तो याद रहेगा आपको रूल नंबर 3। रूल नंबर 1 था कि किसी भी नाउन के अंत में एस लगाते हैं, दो था कि अगर नाउन के सिंगुलर नाउन के अंत में एस या डबल एस, सी एच चाहे एस एच, ओ एक्स जेड रहे तो इनके साथ लगाते हैं ई एस। एक्सेप्शंस बहुत से थे, और अभी है अंत में वाई हो तो हम वाई को ड्रॉप कर देते हैं और लगाते हैं आई एस। इसी रूल का एक्सेप्शन कह सकते हैं या रूल नंबर 4 कह सकते हैं। हमारे पास है सिंगुलर नाउन के अंत में वाई है और वाई के पहले ना वोवेल है, वाई के पहले वोवेल है, वोवेल जानते हैं ना आप, ए आई ओ यू, इनमें से कोई एक, तो वाई के पहले वोवेल है, इस स्थिति में हम वाई को ड्रॉप नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, रहने देंगे, खाली उस नाउन में एस जोड़ेंगे, एक्स्ट्रा बनेगा प्लुरल। देखिए कैसे, प्ले, प्ले मतलब खेलना नहीं, प्ले मतलब नाटक भी होता है नाउन के रूप में, तो प्ले, वाई है, वाई के पहले क्या है, वोवेल है, ए है, तो खाली एस जुड़ेगा। यहाँ पे जितना देखा था आपने, इनके पहले किसी के पहले वोवेल नहीं था, कंसोनेंट था, इसलिए वाई को ड्रॉप करके आई एस किया। अभी क्या है, अभी वाई के पहले आपको वोवेल मिलेगा, इस स्थिति में आप खाली वाई के बाद एस को कनेक्ट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। जर्नी का, जर्नी में से यात्रा, तो एस डाल देंगे क्योंकि ई है उसके पहले, मंकी के पहले बाद में एस डाल देंगे, ई है। ट्रे, ट्रे के पहले, ट्रे मिस तस्तरी होता है, तस्तरी, यहाँ पे ट्रेज कर देंगे। बॉय बहुत यूज करते हैं आप, और बिना डाउट बॉयज ही लिखते हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं इस रूल को, बॉय बॉयज से भी, वाई है के पहले वोवेल है इसलिए एस लगा हुआ है। बे, बे मीन्स क्या होता है, खारी, बे ऑफ बंगाल जरूर सुने होंगे आप सब, बेज, डे, डे का डेज, हाँ ये है। तो ये रूल नंबर 4 हुआ। रूल नंबर 5 याद रखिए, एफ एफ ही होना चाहिए अंत में, एफ एफ चाहे एफ ही, जब एफ या एफ ही होगा तो आप एफ अच्छा है एफ ही जो भी हो इनको ड्रॉप कर देंगे, हटा देंगे, और इनके जगह पे लिखेंगे आप वी ई एस, क्या लिखेंगे, वी ई एस।
कैसे होता है? नाइफ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तब एग्जाम्पल दिखाएंगे। नाइफ, अंत में क्या है? एफ ई, क्या करेंगे? के एन आई हो गया, और एफ एक जगह पे वी ई एस, नाइव्स, ऐसे होता है। एग्जाम्पल देखिए, वही है, नाइफ ही है शुरू में, काफ, एफ है अंत में, तो एफ जगह पे वी ई एस, तीन लेटर करना ही करना है, एफ हो चाहे एफ ही हो, आपको वी एस करना ही करना है। लोफ, लोफ मीन्स पाव रोटी, हाँ, तो यहाँ पे लोफ्स। लीफ, पत्ती, लीव्स। हाफ, आधा, हाफ्स। लाइफ, एफ ई, लाइव्स, वी एस। वाइफ, एफ ई, तो डब्ल्यू आई बच गया, फिर वी एस, वाइव्स। इस तरह से आपने रूल नंबर 5 देखा है, पूरे 10 रूल हैं। रूल नंबर 1 देख लिया था, इस लगाते हैं। रूल नंबर 2 देखा, उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस देखे। रूल नंबर 3 देखा, रूल नंबर 3 का ही एक्सेप्शन रूल नंबर 4 के रूप में मिला, फिर 5 मिला अभी हमारे सामने। ध्यान रखना है आपको पूरा का पूरा। रूल नंबर 2 क्या था? अंत में एस डबल एस सी एच एस एच ओ एक्स जेड, हाँ, एक्सेप्शन याद रखना है। 4 क्या था? अंत में वाई होगा तो वाई का हटाकर आई ई एस कर देंगे। 5 क्या था? अंत में वाई होगा लेकिन उससे पहले वोवेल होगा तो हम उस स्थिति में खाली इसमें एस जोड़ का पूरा बना देंगे। और 5 आपके सामने है, एफ एफ ई, हाँ, एफ एफ ई, एफ एफ ई का एक्सेप्शन है। देखिए जरा, एफ एफ ई का एक्सेप्शन ही कहेंगे, इसे रूल नंबर 6 कह दिया है, कोई बात नहीं। अब है एफ एफ ई अंत में है। अब इसमें हम जो रूल नंबर 5 में था एफ एफ ई को ड्रॉप करके वी एस करते थे, यहाँ पे इन वर्ड्स के साथ नहीं करेंगे, याद रखना है, खाली इनके अंत में एस लगाएंगे, एफ या एफ ही भी रहेगा। जैसे कि सी एच ई एफ, इसे पढ़ते हैं शेफ, शेफ मीन्स रसोईया, रसोईया, सो इसको सेप्स हो जाएगा। चीफ मीन्स मुखिया होता है, तो चिप्स हो जाएगा, एस खाली जुड़ा है हर जगह। मिसचीफ, मिसचीफ मीन्स शरारत, यहाँ पे मिसचिप्स हो जाएगा, देखिए मिसचिप्स। ब्रीफ, ब्रीफ मीन्स संक्षिप्त जानकारी, यहाँ पे ब्रीफ्स हो जाएगा। सेफ मीन्स अलमारी होता है, सेफ मतलब अलमारी, सेफ्स हो जाएगा। गल्फ मीन्स खाड़ी जानते हैं, तो गल्फ्स हो जाएगा, याद रखना है। सी से 2, चीफ और सेफ, मिस चीफ, ये भी चीफ वाला ही है, याद रहेगा आपको। ब्रीफ, सेफ और गल्फ याद रखना है, ये सब वर्ड्स हैं, ध्यान रखने हैं, इनके अंत में हम खाली एस जोड़ते हैं, एफ और एफ ही को भी रखते हैं। रूल नंबर 6 का और भी है, हुफ, हुफ मतलब क्या होता है? खूर, हाँ, खूर होता है, हुप्स हो जाएगा। फिर रूफ का रूफ्स हो जाएगा, रीफ का रीप्स हो जाएगा, क्लिफ का क्लिप्स हो जाएगा। रीफ और क्लिफ का मतलब क्या होता है? शिखर, इसका मतलब होता है शिखर, चोटी। रूफ का मतलब छत, ऊपर से, हाँ, छत। फिर है ड्वार्फ, इसे पढ़ते हैं ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब पता है आप सबको, बौना, तो यहाँ पे खाली एस लगेगा। जिराफ जानते हैं, जिराफ में यहाँ भी एफ ही है, कोई बात नहीं, एस ही लगाएंगे, याद रखना है आपको। एक तो रूफ, पशुओं का हुफ होता है, हुफ। फिर रूफ जानते हैं, रीफ और क्लिफ दोनों का हिंदी एक ही है, ड्वार्फ मतलब बौना, जिराफ मतलब जिराफ। ये हो गया रूल नंबर 6। रूल नंबर 7 को हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इस लेक्चर के जस्ट पहले एक लेक्चर पब्लिश किया गया है जो इस लेक्चर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लास्ट लिंक है। डिस्क्रिप्शन में जो इम्पोर्टेंट वीडियोज हैं उनका लिंक दिया है, तो लास्ट लिंक है यही फॉरेन वर्ड्स के सिंगुलर से प्लुरल बनाने का, जिसमें इनका उच्चारण और हिंदी मीनिंग सब लिखा मिलेगा। तो ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, इस कारण से इस पर हम बात नहीं करते हैं। कहते इतना ही है कि रूल नंबर 7 फॉरेन वर्ड्स का सिंगुलर से प्लुरल बनाने का रूल है। तो इसके पहले का लेक्चर आप देखकर इन सब का उच्चारण
और इनके बारे में अच्छा से समझ सकते हैं। हिंदी मीनिंग भी लिखा हुआ है। इस रूल को स्किप करते हैं, रूल नंबर 7 को छोड़ देते हैं। रूल नंबर 8 की बात करते हैं। रूल नंबर 8 में है कि इनसाइड वोवेल को, सिंगुलर नाउन के इनसाइड वोवेल को मतलब अंदर के वोवेल को चेंज कर देते हैं तो बन जाता है प्लुरल। देखिए मैन, मैन में इनसाइड वोवेल क्या है, अंदर वोवेल क्या है, ए, इसका मेन हो जाता है। ऐसे ही वुमेन का बी मेन हो जाएगा। इसे पढ़ते हैं वुमेन, इसे पढ़ते हैं बी मेन, ध्यान रखिएगा उच्चारण इसका। तो ए का क्या किया, इनसाइड वोवेल में खाली ए को ही चेंज किया, ई बी मेन हो गया। फुट का फीट, दोनों ओ को दो ई में चेंज कर दिया। किसको किस में चेंज करते हैं इसका कोई रूल स्पष्ट मिला नहीं है। हमें ध्यान रखना होता है कि मैन का मेन, फुट का फीट, टूथ का टीथ, गूज का गीज, गूज मतलब कलहंस, अच्छा हंस, गीज, और यहाँ पर लिखा भी है वुमेन का विमेन, माउस का माइस। माउस और माइस डिफरेंट कलर में लिखा है, कारण है इसका। देखिए ओ यू के बदला में आई किया, ठीक है, इनसाइड वर्ड को चेंज कर दिया, लेकिन एस को सी कर दिया है, ध्यान रखना है। वर्ड की बात हुई थी, कंसोनेंट तो चेंज किया है इसने, तो माउस में माइस स्प्रिंग ध्यान रखनी है आपको, इस कारण से डिफरेंट कलर में लिखा हुआ है। रूल 8 हो चुका है। एक होता है चाइल्ड का चिल्ड्रन, जो कहीं मैंने शामिल नहीं किया है, आप जानते भी हैं लेकिन आप कहेंगे छोड़ दिया होगा आपने। चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है जो किस रूल पे आता है इसको बताना मुश्किल है, लेकिन आप सबको ध्यान रहता है इसलिए इसको कहीं लिखा ही नहीं है, चाइल्ड का चिल्ड्रन। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि कुछ कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। कंपाउंड वर्ड का मतलब होता है यौगिक शब्द। अब ये यौगिक शब्द क्या होता है, एक से अधिक शब्द से मिलकर कोई शब्द बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। कैसे कैसा शब्द, जैसे कि फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, तीन शब्द से मिलकर एक शब्द बना है फादर इन लॉ, इसलिए इसे कहेंगे यौगिक शब्द, इंग्लिश में कंपाउंड वर्ड्स। तो कंपाउंड वर्ड्स का अगर प्लुरल बनाना हो तो जो मेन वर्ड होता है कंपाउंड वर्ड में उसको प्लुरल बना दीजिए, प्रायः एस डाल देने से बन जाता है। तो कंपाउंड वर्ड्स का अगर प्लुरल बनाना है तो मेन वर्ड में एस जोड़ दीजिए, बन जाएगा उसका प्लुरल। एग्जांपल 4-5 है, देखिए ब्रदर इन लॉ, तो यहाँ मेन वर्ड क्या हो गया, इन थोड़े होगा, लॉ भी नहीं होगा, ब्रदर ही होगा, तो ब्रदर्स इन लॉ। कमांडर इन चीफ, यहाँ पे इन नहीं होगा, चीफ नहीं होगा, कमांडर मेन वर्ड है तो कमांडर्स इन चीफ होगा। ऐसे स्टेप डॉटर, स्टेप नहीं डॉटर मेन वर्ड है तो डॉटर्स हो जाएगा। पासर बाई, बाई तो होगा ही नहीं तो पासर्स बाई। आप इसमें क्या करेंगे, मेन वर्ड कैसे पहचानेंगे, तो जिस वर्ड का प्लुरल बनता है उसको कह लीजिए। कमांडर इन चीफ में ठीक है चीफ का भी बनता है मान लिया, लेकिन इम्पोर्टेंट वर्ड है कमांडर ना, इसलिए कमांडर बनाएंगे, बाकी में जिनका बनता है उनको प्लुरल बना दीजिए, हो जाएगा। ये हो गया रूल नंबर 9। 10 रूल है और लास्ट रूल आपके सामने है, बहुत इम्पोर्टेंट है रूल। इसमें सीख रहे हैं हम कि नाउन को छोड़कर, अदर देन प्लुरल ऑफ वर्ड्स अदर देन नाउन, अदर देन नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब। हाँ हमने शुरू में सीखा ना कि नंबर किसका होता है, नाउन का, नंबर किसका होता है, प्रोनाउन का। बताया भी कि सिंगुलर कौन सा प्रोनाउन है, जैसे कि ईट का प्लुरल दे हो जाता है, चाहे ही का भी प्लुरल दे है, शी का भी प्लुरल दे है, और वर्ब का भी देखा कि फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर प्लुरल होता है, फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर होता है। तो नाउन प्रोनाउन और वर्ब को छोड़कर जो दूसरे वर्ड्स हैं इंग्लिश में उनका प्लुरल कैसे बनाते हैं इसे सीखने वाले हैं, और जो एग्जाम्पल होगा इसी कलर में होगा, ब्लू कलर में ही होगा। फिर हम इसी में सीखेंगे जो लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट हैं ए बी सी डी उनका प्लुरल कैसे बनाते हैं,
एग्जाम्पल ग्रीन कलर में होगा। और फिर नंबर्स का प्लूरल कैसे बनाते हैं, नंबर 1 2 3 4 लिखते हैं ना, 1 2 3 4, इसका इसका एग्जाम्पल पर्पल कलर में होगा। देखिए एग्जाम्पल पूरा एक ही बार में, पहले इफ एंड बट, अब जानते हैं ये सब कंजक्शन है ना, इंग्लिश ग्रामर में कंजक्शन है, इनका बनाना होगा। क्या करेंगे आप, इन वर्ड्स के बाद अपोस्ट्रॉफी एस, अपोस्ट्रॉफी और फिर एस, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रॉफी एस, कमा जैसा होता है ना ऊपर की तरफ, तो अपोस्ट्रॉफी एस जोड़ देते हैं बस। इफ होगा तो अगर पूर्व बनाना है इफ वर्ड का ही, तो इफ्स हो जाएगा, एंड होगा तो एंड्स हो जाएगा, बट होगा तो बट्स हो जाएगा। ऐसे ही अब ग्रीन में लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, तो ए और क्यू रखा है, देखिए ए का अगर प्लूरल बनना होगा तो फिर यहाँ भी अपोस्ट्रोफी एस डाल दीजिए, क्यू का प्लूरल बनना है तो यहाँ भी अपोस्ट्रोफी एस डाल दीजिए। अब पर्पल कलर में नंबर का है, 5 और 10 रखा है, तो 5 और 10 में प्लूरल बनाना है 5 का तो अपोस्ट्रोफी एस, और 10 का अपोस्ट्रोफी एस। तो चूंकि जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अदर वर्ड्स होते हैं अदर देन दिस नाउन प्रोनाउन एंड वर्ब, उनका प्लूरल बनने का तरीका लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स, अल्फाबेट के का प्लूरल बनने का तरीका, नंबर्स का प्लूरल बनने का तरीका एक ही होता है, वो क्या, उनके अंत में अपोस्ट्रोफी एस जोड़ देना होता है। इसीलिए इस रूल को एक ही जगह रखा है, नहीं तो इसका 3 रूल कर सकते थे हम लोग। ठीक है, तो ध्यान रहेगा आपको ये रूल नंबर 10 है, इसका यह बहुत कम जगह लिखा मिलता है, ध्यान रखिएगा इस रूल को। तो इस तरह से हमने सीख लिया कि किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल कैसे बनाते हैं, साथ में ये भी सीख लिया कि नाउन प्रोनाउन वर्ब के अतिरिक्त भी कोई वर्ड हो इंग्लिश में जो यूज करते हैं उसका भी प्लूरल बनना हो तो बस अपोस्ट्रोफी एस डाल दीजिए, बन जाएगा प्लूरल वो। नाउ थोड़ा एडवांस मोड में जाते हुए अभी हम पढ़ेंगे कि ऐसे नाउन्स को पढ़ेंगे जो सिंगुलर में भी यूज होते हैं और प्लूरल में भी यूज होते हैं, दोनों में यूज होते हैं, यूज करके भी दिखाएंगे। एग्जाम्पल आपके पास एडवाइस, एडवाइस मीन्स सलाह, नाउन है, आपको पता है अगर एडवाइस ऐसे लिखा रहेगा एस ई तो सलाह देना वर्ब हो जाता है, सी ई है मतलब नाउन है सलाह, डियर मतलब हिरन, शिप मतलब भेड़, म्यूजिक मतलब संगीत, स्पेसीज, आप ये मत कहेगा कि प्लूरल है, ऐसे लिखते ही हैं स्पेसीज, सिंगुलर में भी ऐसे ही लिखेंगे और प्लूरल में भी ऐसे ही लिखेंगे। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट्स मत कर दीजिए कभी भी, एयरक्राफ्ट हमेशा यही होता है, स्पेस क्राफ्ट भी ऐसे ही होता है। स्टोन, स्टोन का प्लूरल नहीं बना सकते हैं आप, ये वर्ड यूज कर लीजिए प्लूरल के रूप में लेकिन बनाने से, स्कोर, स्कोर का भी नहीं कर सकते हैं, बैगेज का भी नहीं कर सकते हैं, इनका प्रयोग दोनों जगह कर सकते हैं जब भी जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे देखिए यहाँ पे डियर का प्रयोग किया हमने, पेन कहाँ गया, डियर, देयर वॉज अ डियर रोमिंग अराउंड इन द पार्क, मतलब पार्क में घूमता हुआ एक डियर था। हाँ यहाँ पे अ है तो डियर ठीक है, सिमिलर रहेगा, इट्स ओके। दिस रिजर्व फॉरेस्ट हैज मेनी डियर, यह आरक्षित वन के पास है अनेक डियर, देखिए मेनी, मेनी के साथ कोई भी नाउन आता है प्लूरल आता है ना, तो यहाँ डियर्स होना चाहिए था, डियर का प्रयोग कर दिया है, क्यों, क्योंकि डियर वर्ड का प्रयोग सिंगुलर के रूप में करिए जो ऊपर हुआ है, अच्छा है प्लूरल के रूप में करिए, डियर ही रहेगा, इसमें आप कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, बदलाव नहीं कर सकते हैं डियर को, शिप को बदलाव नहीं कर सकते हैं, एडवाइस को नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा आप, याद रखना जो भी तरीका होगा, एक तो क्राफ्ट वाला याद रखिएगा, एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट, इसमें यह नहीं होता है, प्लूरल बनता ही नहीं है। स्पेसीज ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, अब ऐसा नहीं कि आप इसको सिंगुलर बना दीजिएगा स्पेसी, ऐसा वर्ड ही नहीं होता है, स्पेसीज ही होता है, म्यूजिक स्टोन स्कोर बैगेज, ये ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। अब अगला है कि नाउन्स ऐसे हैं
जो हमेशा प्लुरल होते हैं और यूज भी होते हैं। कौन से? गुड्स। गुड्स मतलब क्या होता है? गुड्स मतलब होता है सामान, आ चाहे माल। गुड्स मतलब होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ। सीजर्स कैंची, सनग्लासेस चश्मा, ट्राउजर्स जो हम पहनते हैं फुल पैंट वो ट्राउजर्स कहते हैं, शॉर्ट्स जो हाफ पैंट पहनते हैं उसे शॉर्ट्स कहते हैं, थैंक्स, क्लॉथ्स, स्टाफ, एस्पेक्टेकल्स, यह सब का सब होता है हमेशा प्लुरल में ही प्रयोग होता है। ठीक है, जिसका एस है अंत में तो उसको कह सकते हैं आपकी ये तो एस है प्लुरल होगा, लेकिन क्या कहेंगे स्टाफ के बारे में? स्टाफ भी प्लुरल होता है। और ध्यान रखना है इनका सिंगुलर नहीं बना सकते हैं आप, ये ऐसे ही वर्ड्स रहते हैं। सीजर्स ही होता है, कभी सीजर मत बोलिएगा, सीजर्स वर्ड होता है। सनग्लास नहीं बोलना है, सनग्लासेस ही बोलना है। ट्राउजर्स ही बोलना है, शॉर्ट्स ही बोलना है। इस दूसरा कोई वर्ड होता ही नहीं है। कंग्रेचुलेशन नहीं होता है, कंग्रेचुलेशंस वर्ड होता है। ऐसे ही थैंक नहीं होता है, थैंक मतलब धन्यवाद देना, वर्ब हो जाएगा। अगर आप थैंक कहेंगे ना ये वर्ब हो जाएगा, और थैंक्स कहेंगे तो धन्यवाद हो जाएगा, थैंक्स। फिर है क्लोथ्स, स्पेक्टेकल्स में चश्मे, चश्मा। तो इस तरह से ये हमेशा प्लुरल होते हैं और प्लुरल में ही यूज किए जाते हैं। यूज करके देख लेते हैं। देखिए, आई नीड टू बाई अ पेयर ऑफ सीजर्स, पेयर है तो यहाँ पे प्लुरल आना चाहिए, प्लुरल है। विच ब्रांड ऑफ सन ग्लासेस डू यू प्रेफर, मतलब सन ग्लास का कौन सा ब्रांड आप पसंद करते हैं। यहाँ पे सिंगुलर रहना चाहिए, लेकिन सिंगुलर का प्रयोग कभी होता ही नहीं है, इसलिए सन ग्लासेस ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट है नाउन वैसे जो दिखते हैं प्लुरल लेकिन यूज होते हैं सिंगुलर में। इधर ग्रीन में क्या लिखा है पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझा रहे हैं आपको। देखिए मैथमेटिक्स एग्जाम्पल भी शुरू में बताया था, मैथमेटिक्स एस दिख रहा है अंत में, सिंगुलर है। एरोबिक्स एक्सरसाइज है एक तरह का, ये एस है लेकिन फिर भी सिंगुलर है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर है। न्यूज समाचार, यह भी सिंगुलर है। एनल्स इसे पढ़ते हैं, एनल्स, एनल्स की हिंदी क्या होती है? इतिहास, यह भी सिंगुलर है। एसेट्स इसे पढ़ते हैं, एसेट्स, आधा ट, एसेट्स हिंदी होती है संपत्ति। रिकेट्स, हाँ हड्डी से संबंधित बीमारी है, विटामिन डी की कमी से होती है, रिकेट्स। बिलियर्ड्स यह एक गेम है। इनिंग्स जो क्रिकेट का होता है, एक टीम बैटिंग करती है पहले फिर दूसरी टीम बैटिंग करती है, तो एक टीम को पहले बैटिंग करने को बोलते हैं फर्स्ट इनिंग्स और दूसरे को बोलते हैं सेकेंड इनिंग्स। इसका यूज बहुत लोग गलत करते हैं, इनिंग बोल देते हैं, इनिंग नहीं इनिंग्स। तो मैथमेटिक्स, एरोबिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज, एनल्स, एसेट्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स जो गेम है, इनिंग्स, ये सारे के सारे दिख रहे हैं प्लुरल लेकिन इनका प्रयोग करना होता है सिंगुलर हमेशा, ये ध्यान रखना है। जैसे मैथमेटिक्स इज, यहाँ पे मैथमेटिक्स के साथ क्या आया है? इज, सिंगुलर है तभी तो। बिलियर्ड्स के साथ आया है इज, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, बिलियर्ड्स इज माई फेवरेट गेम। यूज देख लिया। इसके बाद नाउन जो दिखते हैं सिंगुलर लेकिन यूज होता है प्लुरल में हमेशा। सिंगुलर दिखेंगे लेकिन यूज होगा प्लुरल में, कैसा बताया था एग्जाम्पल शुरू में बताया था मैंने, कैटल। देखिए एग्जाम्पल, आप कैटल है यहाँ पे, पीपल जानते हैं आप, पब्लिक पुलिस ये भी जानते हैं पुलिस, ये तीनों हमेशा क्या होंगे? दिख रहे हैं ना सिंगुलर एस नहीं अंत में, हमेशा होते हैं प्लुरल। तीनों की बात क्यों किया हमने पहले? क्योंकि इनका हम सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। अब क्लर्जी, क्लर्जी का मतलब होता है पादरी, जिसका प्रयोग बहुत कम करते हैं, यह भी हमेशा प्लुरल होता है। पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब कुकुट, यह भी हमेशा, मुर्गा मुर्गी, यह भी हमेशा प्लुरल होता है। याद रखना है आपको, सेंटेंस में यूज करके देखा तो पुलिस आर, द पुलिस आर, हाँ प्लुरल होता है इसलिए आर लगा हुआ है।
दीज पोल्ट्री आर माइन, पोल्ट्री के साथ दीज लगा दिया है क्योंकि प्लूरल होता है इसलिए, तो आपको ध्यान रखना है यह सब। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में पूरे नंबर को कंप्लीटली कंप्लीट कर लिया है। हमने 10 रूल्स पढ़े जिसमें हर तरह के वर्ड्स को कवर किया, अगर कोई छूटा भी होगा तो उसी रूल के अनुसार हो जाएगा। फिर साथ में एडवांस में कुछ पढ़ लिया हमने। तो इस तरह से इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।